हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही प्यारा चिट चैट वीडियो लेके आए हैं जो कि हम दोनों की लव स्टोरी पे है, और वो लव स्टोरी हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। और स्टार्ट इधर से होगी, फिर कुछ चीज़ें ये बताएंगे, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी। तो स्टार्ट करो कि हम लोग कैसे मिले थे, हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। हम लोग, हमारी दुकान थी एक्चुअली, तुम भूल गए शायद। यार ये ये लाइट भी गिर पड़ रही है, तो लाइट को हम पहले इधर रख देते हैं। तो बताओ व्हाट इज दिस यार। ओ भगवान, ओ माय गॉड, देती हूँ। तो हम मिले थे कौन से सन में, 2009 में, 10 में, नहीं 11 में, 9 में, 11 में, 9 में तो तुम यहाँ आई थी ना। तो हम 12 में मिले थे एक्चुअली, 6 साल। 12 में मिले थे, 2002 में, 2000। कौन सा वीडियो शूट हो रहा है यार। तो हम जो मिले थे 2011 में मिले थे, और आप सबके साथ मैंने शेयर करी थी। मेरा शॉप है, तो इनका भी शॉप था, गारमेंट्स की दुकान थी इनकी, और मेरी लेडीज की थी, मेरे जेंट्स की थी। हाँ, तो मेरा जो है, हम लोगों का दुकान का जो डिस्टेंस है ज्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट्स की दूरी पे था। तो मेरी जो है लेडीज गारमेंट शॉप थी, और इनका जो है जेंट्स गारमेंट शॉप था। और उस दौरान मैं अपने ब्रदर के लिए एक टी शर्ट देख रही थी। मुझे एक्चुअली घर जाना था, तो मैं टी शर्ट देख रही थी, तो मैं भटकते भटकते इनके दुकान पे पहुंच गई। तो टी शर्ट के पीछे हमारी एक छोटी सी जो है नोक झोंक हो गई थी, और उसके बाद इन्होंने मुझे पहली बार देखा था। तो फिर इन्होंने मेरी जो है डिटेल निकालनी शुरू कर दी कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या है। तो एक्चुअली कोई और लाइक करता था इनको, और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरे को अच्छी लगती है बस, तेज बोलो, लाउड, आई लाइक इट, क्या लाउड करूं, तेज बोलो तो क्यों, वहां तक सुनाई दे। तो अच्छा। तो ये जो है मेरे पीछे पड़ गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ये मुझे बहुत ये मुझे बहुत पसंद करते थे, वहां से मैं इनके दुकान के सामने से डेली, मगर मैंने कभी बोला नहीं था, डेली स्कूटी लेके आती थी, और ये मुझे अपने शॉप से देखते थे, ये मुझे फॉलो भी करते थे, और अपने दोस्तों से मेरी जो है जानकारी लेते थे। और उस समय जो है तो मैं इतना इंटरेस्ट लेती नहीं थी, बस आई गई कौन क्या। तो इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, मेरे दिमाग में एक सेटअप होता है एक शॉप वाले से, जो बस वैसा कुछ माइंड था। तो फिर अगेन एक बार मैं इनकी दुकान पे गई, तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसी सी बात है, वो शॉप वाले आपको बहुत लाइक करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें डांटा था? नहीं, आके रोने लग गए थे दुकान पे, क्या करिए, सब चीजें थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। हाँ, मैं इधर उधर भटक रही थी, मुझे भी तुम पसंद थे, बस ये। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं तो था। तुम मेरे को पसंद नहीं, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर बट फिर एक, हाँ, मैं फिर शॉप पे जाने लगी। तो स्टार्टिंग में हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो बस हम एक शॉप, हम फ्रेंड थे, फ्रेंड की तरह बन गए थे। आसपास शॉप थी हमारी, खाना पीना, लंच वगैरह। हाँ, तो हम साथ में हम लंच वगैरह करने लगे। दोपहर में मैं भी अपने घर जाती थी, ये भी अपने घर जाते थे, अपने सिस्टर के घर रहते थे उस समय, तो इनकी सिस्टर यहीं पे रहती थी, तो ये भी जाते थे। तो फिर हमने साथ में ही शॉप पे ही लंच करना शुरू कर दिया। फिर हमें जब माल होलसेल में खरीदने जाना था, तो हम साथ में जाते थे। फिर मेरी दुकान के बगल में इन्होंने भी एक और शॉप खोल ली, शॉप खोल दी। मैंने फिर बुटीक खोल लिया, इनके जस्ट दुकान के बगल में दुकान खाली था, तो मैंने ऐसे अजय टसन में एक और दुकान खोल ली। फिर उस चीज में ज्यादा
पास आ गए हम लोग। हाँ तो उस शॉप को, शॉप जो मैंने ओपन की थी, बुटीक जो ओपन की थी मैंने, इनके लिए, इनकी वजह से ओपन की थी कि मुझे अपनी दुकान पे मैंने वहाँ पे स्टाफ रखा था और मैं बस अपनी शॉप को देखने के लिए जाती थी। तो बस और शॉप में काफी नुकसान होने लगा, दोनों शॉप में बहुत बिजनेस लॉस होने लग गया था। तो इसकी वजह से फिर मैंने अपना जो बुटीक है बंद कर दिया था। फिर धीरे 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 हम ऐसी बात करते करते, ऐसी लंच करते, एक साथ हम सामान वगैरह परचेज करने जाते थे, तो फिर हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए। तो हमें एक्चुअली जो प्रपोजर था ना, तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं बताया था, इन्होंने किसी और को बताया था। तब उसने आके इनको बता दिया, उन्होंने, इनके फ्रेंड थे तो उन्होंने आके मुझे बताया ऐसी सी बात है। फिर मैं इनसे डायरेक्ट पूछा तो फिर इन्होंने बोला हाँ यस ये सही है। तो फिर यस आई डू तो इन्होंने बोला हाँ सही है। तो फिर मैंने भी बोला ठीक है। तो फिर ऐसे करते करते मैंने हाँ तो बोल दिया था, बट मेरे घर में कोई इशू नहीं था इस चीज को लेके, बट इनके घर में ज्यादा इशू था, है ना, इनकी मम्मी का बहुत ज्यादा इशू था। तो फिर ऐसे करते करते बीच में हमारा मतलब 2 साल तक रिलेशनशिप चला, और उसके बाद फिर हमारा 1 साल का ब्रेकअप हो गया था। 1 साल हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहे, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं, बात भी नहीं किया, और नंबर वगैरह सब चेंज, सब हम दोनों ने नंबर चेंज कर दिया। इन्होंने मतलब यहाँ से इनकी शॉप वगैरह सब इनके पेरेंट्स क्लोज करवा दिया, सिर्फ मेरी वजह से कि अगर इनकी शॉप यहाँ पे रहेगी तो ये मेरे चक्कर में रहेंगे। तो इनके पेरेंट्स इनको यहाँ से उठा के अपने घर लेके गए साउथ दिल्ली। तो फिर इसके बाद मुझे भी बहुत गुस्सा आया, मैं भी कुछ टाइम के लिए अपने घर चली गई थी, और उसके बाद फोन वगैरह सब कुछ मैंने बंद कर दिया था। फिर 1 साल के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आई, तो मैं एकदम से माइंड में मुझे अचानक से कुछ ऐसी याद आ गया, और तो फिर मैंने इनको ढूंढना शुरू कर दिया। तो मैं इनके घर तक पहुंच गई, इनको नहीं पता, इनके जो आसपास के फ्रेंड वगैरह थे उनके इनको पता भी नहीं कि मैं इनके एरिया में जा जा के घूमती थी, वहाँ के लोगों से इनका नंबर पता करते 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 इनका नंबर लेके आई। फिर मैंने इनको फ़ोन किया और मिलने के लिए यहाँ पे बुलाया, फिर हम मिले, फिर हमने बात की, फिर हमने चुपचाप शादी कर ली, और हम एक टाइम साथ में मतलब रहते थे। इनके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था, मेरे घर पे मैंने बता दिया था कि कैसे ऐसे हमने जो है डिसीजन लिया है, और मेरे घर वालों को कोई इतराज़ नहीं था, इन्होंने नहीं बताया था। बट एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि नहीं अब तुम्हें बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये छुप छुप के आते थे, जॉब के बहाने मेरे साथ रहते थे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं अब बता देना चाहिए। तो फिर उसी बीच जब मैंने इनको बोला कि बता दो घर पे, उसी बीच इनके लिए घर पे एक रिश्ता आ गया था, एक लड़की का रिश्ता आ गया था। पहले इनका कॉल आ गया, और फिर उसके बाद में मम्मा पापा को जब जा रहे थे लड़की देखने के लिए तो सब शॉक्ड हो गए। फिर उसके बाद कहने लगे कि हमें लगता है कि आज भी तुम लोगों का चक्कर है। तो मैंने कहा यस। तब इन्होंने बताया कि सिर्फ चक्कर नहीं है, हमने एक्चुअल में मैरिज कर ली है और ऐसी ऐसी बात है। फिर इनकी मम्मी को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, तो फिर ये मेरे साथ प्रॉपर रहने लग गए थे। लेकिन हाँ, ये कंटिन्यू मेरे साथ उस समय भी नहीं रहते थे, एक एक हफ्ते के लिए अपने घर चले जाते थे, मैं अकेले रहती थी। पापा की तबीयत खराब थी, इनके पापा की तबीयत जो खराब थी तो ये वहीं पे रहते थे। 1 साल तक इन्होंने मतलब मेरे साथ जो है कंटिन्यू नहीं रहे, और हमने शादी के बाद बहुत 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 प्रॉब्लम को फेस किया है। उसके बाद हमारी कम से कम, हम शादी करने के बाद भी हमारा 3 से 4 बार ब्रेकअप हुआ। हम 3 से 4 बार शादी करने के बाद भी अलग हुए। कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे उस टाइम पे जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी, इनकी कभी जॉब की प्रॉब्लम आ जा रही थी, कभी इनकी फैमिली को लेके हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही थी। ये कभी कोई फेस्टिवल होता था, मैं चाहती थी ये मेरे साथ रहे, लेकिन इनके घर वाले चाहते थे कि ये उनके साथ रहे। तो ये जो है उधर का ही डिसीजन लेते थे, ये मुझे फेस्टिवल वगैरह पे भी छोड़ के अपने घर चले जाते थे। तो जिसकी वजह से हमारी बहुत लड़ाई होती थी, कम से कम हमारी 5 से 6 बार लड़ाई ऐसी हुई है, जबरदस्त वाली लड़ाई हुई है, जो कि ये मुझे एक एक महीने दो दो महीने छोड़ के चले जाते थे। उसके बाद फिर हम बात करते थे, फिर ये आते थे, करते करते 2 साल तक हमारा ऐसे ही निकला। 2 साल के बाद जब 2 साल के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर 1 साल इनका ऐसे ही निकल गया। तो जब हमारा बेबी हुआ तो थोड़ी सी गाड़ी जो है थोड़ी थोड़ी पटरी पे आई, और फिर इनको थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि हाँ मेरी कुछ जिम्मेदारी है।
नहीं तो अदरवाइज इनकी कोई मतलब इनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता था कि हर मतलब हर चीज पे मुझे जो है छोड़ के चले जाते थे। तो इस वजह से अभी अब जाके इस साल हम कह सकते हैं इस साल से हमारी गाड़ी थोड़ी सी पटरी पे आई है ना, नहीं तो हमारी अभी भी लड़ाइयां होती है, हर घर चल रही है, हर घर हमारा हर घर में लड़ाई हर घर में लड़ाई होती है। और अभी भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बीच बीच में हम दोनों की बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारी लड़ाई हो जाती है। तो बस अब उस अंडरस्टैंडिंग में चल रहे हैं, ये हमारी सुनते हैं, हम इनकी सुनते हैं, तो जीवन ऐसे तो ही चलना चाहिए। हमने जो है अपने लव मैरिज को बहुत हद तक सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश की है, और आगे का हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन अभी तो गाड़ी पटरी पे है और हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसी पटरी पे रहे। हमारा बेटा जो है 3 इयर्स का हो चुका है, हम चाहते हैं 4 इयर्स में एंट्री कर चुका है, तो अब हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसी चलती रहे। हमने की है लव मैरिज, तो लव मैरिज में जो भी हमने सुना था कि लव मैरिज जो होती है, हमने 99% सुना है कि सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि वो उस लव मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो भी कंप्लेन होगा वो हम आपस में ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, हम पेरेंट्स को कंप्लेन नहीं कर सकते। कभी नहीं लाएंगे हम पेरेंट्स को, तो बीच में लाना भी नहीं चाहिए। लव मैरिज में पेरेंट्स बीच में आ ही नहीं सकते हैं, पहली बात तो पेरेंट्स बीच में नहीं आते हैं। तो लव मैरिज में बस यही एक बहुत बड़ा प्लस माइनस पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट नहीं होता, माइनस पॉइंट ये होता है कि हम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, खासकर पेरेंट्स से। तो बस यही था, तो हम किसी से कुछ कह नहीं सकते थे, हम आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे का बाल नोचते थे और उसके बाद फिर एक हो जाते थे। फिर यही चलते 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 आज हमें कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए, 6 साल हो गए, 6 साल हो गए हमारी शादी को, और अब चल रहा है जैसे तैसे, भगवान करे हमारी कोई ऐसी नोकझोंक, छोटी मोटी घर को लेके लड़ाई हो, बड़ी कोई भी लड़ाई ना हो। तो ये थी हमारी छोटी सी लव स्टोरी की चिट चैट, और आप बताना ना भूलना कि आपको ये लव स्टोरी वीडियो कैसी लगी। तो क्या बोलना चाहिए, प्लीज अगर आपको ये हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और निशु कमेंट्स करना, बताओ, बोलो बोलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना। ये है हमारे बेटे का नाम, आप भी दिखाओ। तो हम हमारी निशानी ये, हम दोनों ने एक जैसा नाम लिखवाया है, निशवान, और हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, शेयर करना। थैंक यू।